नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत। कुछ दिन पहले मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ आई हैव थोड़ा बिजी हो गया था, बिजी शेड्यूल चल रहा था मेरे जॉब को लेकर। तो इसी तरह मेरे लाइफ में एंजाइटी कभी कभी आ जाती है, आपकी लाइफ में भी आती होंगी। व्हेन आप कुछ करने की कोशिश करते हो कि कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी आ जाती थी। जब मैं वीडियो बनाने स्टार्ट किया तो अच्छा लगा, स्टार्टिंग बहुत मज़ा आ रहा था, अभी भी मज़ा ही आ रहा है, इसलिए तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। और बीच में जब मैं लास्ट वीक नहीं बना पाया तो माइंड ना नेगेटिव वर्क करने लगा और बोला कि क्या कर रहा है, मत कर। मगर बोलते हैं ना, एक अंदर से आग आनी चाहिए, एक अंदर से निकलना चाहिए कि जो तुझे अच्छा लगता है, जिसके बारे में आप पैशनेट हो, आप ज़रूर करो। तो इसके लिए ना मैंने ना 4 फार्मूले बनाए और 4 फार्मूले जो अप्लाई कर रहा हूँ अपने ऊपर, तो ये इट्स रियली वर्क फॉर मी और शायद से आपके ऊपर भी वर्क करे। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी लाइफ के ऊपर, तो शायद आपको आपकी लाइफ में भी शायद काम आ सके। इसकी वजह से आई एम गोइंग टू शेयर माई दैट 4 फार्मूला इज वेरी हेल्प टू मी। सो लेट्स स्टार्ट। First is D. There is 4D, so I'm starting to first. So first D is dream. जो उसको थोड़ा सा डिटेल में करता हूँ मैं, ड्रीम। इफ यू आर थिंक कि आपको जो ड्रीम है उसको पूरा करना है, सो हाउ एवर इट शुड बी उसको पूरा करना है, जान लगा दो या जाने दो। तो फिर ड्रीम दो तरह के होते हैं, और एक होते हैं सोना, जब हम बिस्तर पे खाना वीना खा के रात में जब हम सोने जाते हैं तब ड्रीम देखना, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, मुझे जो पसंद थी वो मिल गई, और मेरे पास लग्जरीज हैं, मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, ये सोने वाला ड्रीम है जो कभी पूरा नहीं होता है, खाली रात में ही आता है। और एक दूसरा ड्रीम है जो दिन में आप अपनी खुली आँखों से देखते हो, दैट इज़ द मेन थिंग। अगर आप दिन की खुली आँखों से देखते हो ना, समझ लो तुम्हारा सपना है जिसे तुम्हें हर हाल में पूरा करना है, ये रहा ड्रीम। तो फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया, थिंकिंग करना स्टार्ट किया कि मेरे को करना क्या है, मेरे को बनना क्या है, आगे जाके क्या करूँगा, और फ्यूचर क्या है, करियर क्या है, उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया। जो भी हो, मेरे लिए बहुत कुछ है, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विद यू। और जैसा आपके बारे में, किसी के लिए हो सकता है स्पोर्ट्स, किसी के लिए हो सकता है क्रिकेटर, किसी के लिए होता है डांस इंडिया डांस, किसी के लिए हो सकता है सिंगिंग, सो देर इज़ अ लॉट्स ऑफ, किसी के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, XYZ, बहुत सारी फील्ड है। सो आप बात करते हैं नंबर 2, डेडलाइन। अगर आपकी लाइफ में डेडलाइन ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो इट्स रियली वर्क्स फॉर मी, मैंने डेडलाइन दिया अपने गोल को कि मेरे को इस टाइम में ये गोल अचीव करना है, अगर अचीव नहीं होता तो उसके ऊपर और मेहनत करना है और अचीव करना ही है। द सेकेंड थिंग इज डेडलाइन, यस। अच्छा, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि समझ लो आपकी शादी फिक्स हो गई, या आपके फैमिली वालों में किसी की शादी फिक्स हो गई, और हमने डेडलाइन रखा ही नहीं, शादी किस डेट को रखना है कोई निर्धारित डेट ही नहीं फिक्स किया, तो आप कैसे, हाउ इज पॉसिबल कि आप डेट का, शादी का कार्ड छाप दोगे, हाउ इज़ पॉसिबल कि आप सारी शॉपिंग भी तैयारी कर लोगे, हाउ इज़ पॉसिबल कि आप हॉल जो बुक करने वाले हो वो बुक कर लोगे, अगर आपके पास में डेडलाइन ही ना हुआ तो। बोलेंगे भाई गाड़ी चल रही है चलने दो, ऐसा होता है क्या? नहीं ना जी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डेडलाइन। आप अपने लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं, पहले ड्रीम कीजिए, सेकेंड इज़ डेडलाइन, उसको डेडलाइन दीजिए, मुझे इस समय कितने समय में करना है, 1 साल 2 साल 4 महीना 5 महीना, दिस इज़ फॉर यू डेडलाइन। और डेडलाइन समझ गए होंगे, मेरा एग्जांपल था जो इस रियली वर्क्स फॉर मी। मैं पहले ऐसे ही करता था कि यार ड्रीम तो देख लिया, बहुत सारे चेंज होते हैं ना, बहुत सारे चेंज करके इसको छोड़ा उसको पकड़ा, इसको छोड़ा उसको पकड़ा, और फिर बाद में जो फाइनली एक समझ में आया, हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, यस आई एम कैपेबल फॉर दिस, तो जो दूसरा डेडलाइन मुझे मिला, फिर मैंने डेडलाइन दिया मैं कब कर सकता हूँ, कितने टाइम में फिनिश कर सकता हूँ। सो इट्स रियली गोना वर्क्स फॉर मी, जस्ट ट्राई इट गाइस। अगर आप डेडलाइन देंगे ना तो आपको एक तो मिल जाएगा कि हाँ यार अब मेरे को इतने टाइम में ख़त्म करना है। आप अच्छा एग्ज़ाम में भी, पता है जब 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं हम,
तो उसमें भी एक डेडलाइन दिया होता है कि आपको 145 मिनट में ही आपका पेपर सॉल्व ख़त्म करना है या 230 मिनट्स में आपका पेपर तुमको देना है, राइट। देयर इज़ अ डेडलाइन ऑल्सो दी होती है। तो गाइस अपने ड्रीम के लिए आप डेडलाइन दो, नहीं पूरा हो रहा है वापस से पूरा करने की कोशिश करो, मगर डेडलाइन ज़रूर दो। तो तुम्हारे मन में है ना उसको पहुँचने के लिए ना अलग अलग से रास्ते मिलेंगे, अलग अलग सा वे मिलेगा कि डेडलाइन पे कैसा पहुँचा जाए। पॉइंट नंबर 3 है इस डिसिप्लिन। तो आपको डिसिप्लिन का मतलब एक अंदर से खुद को आना चाहिए। हमारे लिए डिसिप्लिन मीन्स स्कूल की लाइफ, जहाँ पे हमें बता दिया गया था कि आपको सुबह 7 बजे स्कूल में पहुँचना है और 7 से 2 तक वहाँ पर रुकना है। फिर ये है एक डिसिप्लिन, क्योंकि इन्हीं निर्धारित समय में हमें ये काम पूरा करना है और हमारी क्लास इसी समय चलती थी। कभी देखा आपने, कभी 11 बजे बुलाया था क्या, कभी 10 बजे बुलाया है क्या, कभी 7 बजे बुलाया है? फिर पता है जो स्कूल की जो व्यवस्था है अनुशासित में नहीं रहेगी। इसीलिए अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखना स्टार्ट कर दिए तो कुछ भी अचीव कर सकते। सेकेंड इज डेडलाइन, थर्ड इज डिसिप्लिन, इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट नॉट लास्ट, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन। आप किस तरह डिसिप्लिन में अपना काम करते हो। हाँ, मुझे पता है कि जो मेरा वर्क है ये 5 घंटे का है, मुझे काम में 5 घंटे लगेंगे, तो मुझे 5 घंटे देना ही है। अगर हाँ नहीं हो पा रहा है तो मैं इसको ब्रेक करके दूंगा, 2.5 घंटा अभी दूंगा, 2.5 घंटा बाद में दूंगा। सो वी शुड टू गिव 5 आवर्स फॉर इन अ डे, जो आपका सपना है। ये नहीं बोलूँ कि आप 5 घंटे दो, किसी के लिए 3 घंटे होंगे। आपको समझ लीजिए स्टूडेंट हो तो आप पढ़ना चाहते हो 10 चैप्टर, तो पहले के 5 अभी पढ़ो, 5 बाद में पढ़ो। आप अपने गोल को डिवाइड कर दो कि वो पूरा हो सके। नंबर फोर इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस इज द लास्ट डे ऑफ माई ओल्ड लाइफ, जो भी मैं अभी से छोटे से बड़ा और जहाँ से समझदारी बढ़ी, दैट इज 4 पॉइंट, डू नॉट गिव अप। यस गाइस, डू नॉट गिव अप, दिस इज द लास्ट पॉइंट। आपके जब आप अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए जाएंगे तो देर इज सो मैनी डिफिकल्टीज कमिंग ऑन योर वे। आप वहाँ पे बहुत सारी गलत फहमियाँ होंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी, कई लोग बहुत सारा सजेशन करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे, और भी ना जाने क्या क्या आपको सुनने मिलेगा। बट डोंट वरी गाइस, आपको सबको फेस करना है और वहाँ से मूव ऑन होना है, और आपको दिखाना है कि यस, जो मैंने सपने देखा था और मैं पूरा करने के लायक हूँ। शायद आपके चलते ही मैं भी जो सपना देख रहा हूँ और वो पूरा करने के लायक। याद रखिए, डू नॉट गिव अप, कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम हो, यस आई कैन फेस इट। अगर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह देखेंगे ना तो आप पार हो जाएंगे। अगर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में लेके बैठ जाएंगे ना तो आप नहीं पार हो पाएंगे यार। चाहे आपको कितना भी दुनिया का बड़ा ज्ञानी क्यों ना मिल जाए, आपने सोच लिया मेरे लिए प्रॉब्लम है तो आपका माइंड आपके लिए 10 बहाने ला के रख देगा, यस आपके लिए प्रॉब्लम है। आपने सोच लिया इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो आपका माइंड अलग अलग जगह से 10 जगह ला के बताएगा कि यस इसका सॉल्यूशन भी है। और किस तरह से है वो आप ही ढूंढ सकते हैं गाइस, मैं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हेल्प कर सकता आपकी। बस आपका माइंड, आप और आपकी जो पावर शक्ति विल पावर है वही आपकी हेल्प कर सकता है। तो गाइस आगे बढ़ते रहिए, दिखा दीजिए कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। तू झुक मत, तू रुक मत, आगे तू बढ़, होगी तेरी रहमत जब तू करेगा कुछ ढंग का अपनी लाइफ में। यार ढंग का अपनी लाइफ में एक बार कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे जैसा। शुक्रिया गाइस, याद रखना, बी इंस्पायर्ड, बी ब्लेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको जरूर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, और मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नए हो मेरे इस YouTube चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो YouTube दिख रहा है YouTube सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आपको जरूर आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है, मैं हूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच।
call.